फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड स्टार्स, टीवी स्टार्स और किसी भी फिल्मी सितारे का इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट हैक होना अब ये समझ लीजिए आम बात हो गई है। हर दूसरे दिन किसी ना किसी स्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक होने की खबर आती है, ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर आती है और अब इसी लिस्ट में नाम जुड़ा है अमीषा पटेल का। अमीषा पटेल ने हालांकि मुंबई पुलिस के साइबर सेल में कंप्लेन कराई और फिर कुछ ही घंटों बाद उनके अकाउंट को रिकवर भी कर लिया गया। तो राहत की बात यह है कि उनके इंस्टाग्राम पेज से कुछ ऐसा पोस्ट नहीं हुआ जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया हो, लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए जब उनका इंस्टाग्राम नहीं चला, जब वो कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी, किसी को मैसेज नहीं कर पा रही थी, तब उनको लगा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। दरअसल अमीषा पटेल ने साइबर सेल में जो लिखित कंप्लेंट दी उसमें उन्होंने बताया कि एक लिंक उनको आया था। उस लिंक में ये था कि आपने कुछ एक ऐसी फुटेज का इस्तेमाल किया है जिसका जो कॉपीराइट का इशू है, मतलब कुल मिलाकर जाहिर सी बात है किसी स्टार पर इस तरीके का कोई नोटिस आए, वो भी इंस्टाग्राम पर, तो अमूमन देख लिया होगा। तो वही उन्होंने किया कि अपने उस लिंक को उन्होंने चेक किया और उसी लिंक के बाद से ही उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और फिर वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रही थी। अब जब साइबर सेल ने पूरी जांच की तो पता लगा कि वो जो इंस्टाग्राम लिंक था वो उनको देश के किसी कोने से नहीं बल्कि नीदरलैंड से भेजा गया था। तो अब जांच का विषय ये भी है कि नीदरलैंड में कौन सा ऐसा ग्रुप सक्रिय है जो स्टार्स को निशाना बना रहा है, उनके अकाउंट को निशाना बना रहा है। तो इस पूरे मामले की जांच साइबर सेल कर रही है, लेकिन इन सबके बीच अमीषा पटेल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको रिकवर कर लिया गया है। बता दें आपको 4 जनवरी के दोपहर बाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और 5 जनवरी के आसपास इस पूरे अकाउंट को रिकवर भी कर लिया गया था। तो फिलहाल अमीषा पटेल ने खुशी जताई है और साइबर सेल का थैंक यू उन्होंने अदा किया है। और आपको बता दें विक्रांत मेसी जो कि छपाक में नजर आए थे, क्रिमिनल जस्टिस में जो नजर आए थे, जो एक्टर है, उनका भी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था। और इनके अलावा अंकित तिवारी जो कि सिंगर है, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और फराह खान का भी इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ दिन पहले हैक हुआ था। तो हैकर से सावधान रहने की सिर्फ फिल्म स्टार्स को ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी जरूरत है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।